बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो है कराची यानी कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सूबा सिंध के अफराद के लिए मुख्तलिफ किस्म के असामियों का ऐलान किया गया है, जिनकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो 20 नवंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। तो ये जो है वीडियो उसी के ऊपर होगी कि कौन सी असामें खाली हैं और किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो इनमें जो है हमारे पास सबसे पहले नंबर पर लॉ डिपार्टमेंट आ जाती है। लॉ डिपार्टमेंट में जो है एडिशनल प्रोसिक्यूटर्स की असामियाँ खाली हैं जो कि 19वें स्केल की होंगी। उसके बाद है 5 पोस्ट ऑफ डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसकी असामियाँ खाली हैं। उसके बाद आप इसमें हमारे पास जो है असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर की जॉब्स खाली हैं। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है तो यहाँ पर आपने नीचे आना है। उसके बाद इसमें हमारे पास है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विंग ऑफ एग्रीकल्चर, इसकी असामियाँ खाली हैं। तो यहाँ पर आप और भी देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में असाइनमेंट देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको जो है इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है सारी डिटेल मिलेगी कि किस कौन कौन सा कोटा है और इसके ऊपर जो है किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। क्वालिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पर जो है सब मेंशन है। अब ये है कि ये जो चलान फार्म है आपने डाउनलोड कहाँ से करना है और ये जो जॉब्स हैं इनके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो अपने मोबाइल का क्रोम गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर जो है आपने सर्च करना है, यहाँ पर आपने सर्च करना है SP सिंध पब्लिक SPSC.gov.pk। आपने ये वेबसाइट सर्च करनी है। तो जैसे आप ये वेबसाइट सर्च कर लेंगे यहाँ पर आपने थोड़ा वेट करना है कि जैसे ये वेबसाइट फुली तौर पर ओपन होगी यहाँ पर जो है आपको मिले, यहाँ पर देख साइड के ऊपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट। तो इसके ऊपर आप क्लिक करके ना एडवर्टाइज फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और अब मैंने आपको बताऊंगा कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। अप्लाई करने का तरीका ये है कि यहाँ पर आपको ये नज़र आएगा अप्लाई नाउ के ऊपर, सही है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक न्यू अकाउंट या एक न्यू पेज ओपन होगा। इस न्यू पेज में आपको जो है राइट साइड के ऊपर देखने को मिलेगा अवेलेबल जॉब्स। तो आपने ना इन अवेलेबल जॉब्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अवेलेबल जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना आपने क्लिक हेयर टू डाउनलोड, यहाँ से आपने चलान फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद अप्लाई किस तरह से करना है ये जो आप देख सकते हैं कि एडिशनल प्रोसिक्यूटर है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर, ये जो सारी असामियाँ उस एडवर्टाइजमेंट में शो की गई थी ये सारी असामियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो करना ये है कि आपने जिस भी असामी के लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपको ये जो नज़र आएगा अप्लाई नाउ वाला सेक्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर वो कहेगा कि एंटर योर CNIC एंड एंटर योर पासवर्ड। तो अगर तो आपने अभी तक इसके ऊपर जो है रजिस्टर नहीं किया हुआ तो आपने इसके ऊपर जो है रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने अपनी सारी डिटेल NIC मोबाइल ईमेल कंफर्म पासवर्ड एंड हर चीज़ देकर यहाँ पर आपने रजिस्टर होना है। उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद आपने यहाँ पर लॉग इन हो जाना है, सही है। लॉग इन होने के बाद इस तरह आप इन जो है असामियों पर जो कराची के शरीयत के अफराद हैं इनके ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतने, मज़ीद गवर्नमेंट की जॉब्स के मुतालिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।